नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। मौसम समाचार के प्रायोजक हैं स्कॉलर्स प्लेवे इंटर कॉलेज, गोविंद नगर, कानपुर। साउथ का बेस्ट स्कूल स्कॉलर्स प्लेवेज इंटर कॉलेज गोविंद नगर। हिंदी मीडियम में सभी छात्रों को किताबें फ्री में मिलेंगी। संपर्क करें स्कॉलर्स प्लेवेज इंटर कॉलेज गोविंद नगर कानपुर। इस मानसून के दौरान औसत से अधिक बारिश हुई है देश भर में। साल 2019 की अगर हम बात करें तो हमें मानसून के दौरान काफी अधिक बारिश देखने को मिली थी लगातार, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थितियां भी झेलनी पड़ी थी। इस साल लगभग दो सप्ताह पहले मानसून पूरे भारत में पहुंच गया है, और अगले 24 से 48 घंटों की अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन एक ट्रफ रेखा जो पंजाब से बिहार तक बनी हुई है, उसकी वजह से अनुमान है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में ज्यादा बारिश की संभावना है। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, रामपुर और पीलीभीत, इन सभी जगहों में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों को देखें तो बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। कानपुर, लखनऊ से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी, सीतापुर, इन सभी इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, इन सभी जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा का लगभग यही पैटर्न अगले 2 से 3 दिनों तक बना रहेगा। मॉनसून का पैटर्न लगभग इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है वर्षा का। तो उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरीके से रहेगा मौसम का मिजाज। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।